अस्सलाम वालेकुम गाइस, आज हम बना रहे हैं मूंग की दाल। ये देखिए, हमने तेल डाला, तेल में एक बारीक कटी हुई खड़ी प्याज, हरी मिर्ची, करिया पाक डाला और अच्छे से फ्राई कर रहे हैं। और यहाँ देखिए, मैं बेसन बना रही हूँ, उसमें भी सेम है, प्याज, हरी मिर्ची, करी पत्ता है, इसको भी हम फ्राई कर रहे हैं अच्छे से। इधर ये भी फ्राई हो रहा है और ये भी फ्राई हो रहा है। देखिए, अब हम इसमें डालेंगे थोड़ा सा अदरक लहसुन का पेस्ट। डेढ़ चम्मच अदरक लहसुन का पेस्ट डाला है हमने इसमें। और इधर देखिए, अरे अरे, हमारी ये प्याज भी हो जा रही है, दो बना रही हूँ मैं एक साथ। ये देखिए, हमने इसमें डाल दिए टमाटर। और ये भी हो गई है इधर। अरे लईबा, ये देखिए, हमने इसमें दाल डाल दी। अब इसमें हम पानी डालेंगे और अब हम डालेंगे थोड़ी सी लाल मिर्च, हाफ टी स्पून लाल मिर्च डालेंगे इसमें। और ये हमने थोड़ी सी लाल मिर्च, आप जितना लेते हैं वैसा लीजिए। और हम डालेंगे इसमें हल्दी, थोड़ी सी हल्दी डालकर अब हम इसे हिलाकर छोड़ देंगे। और नमक हम थोड़ी देर बाद डालेंगे, दाल थोड़ी सी गलने देंगे। और यहाँ पर देखिए, इसमें हमने टमाटर डाल दिए, टमाटर अच्छे से फ्राई हो गए हैं। और अदरक लहसुन का पेस्ट भी डाल दिया था हमने इसमें। अब हम इसमें डालेंगे थोड़ी सी हल्दी, और इसमें भी हम थोड़ी सी लाल मिर्च डालेंगे। देखिए, थोड़ी सी लाल मिर्च डालेंगे क्योंकि हरी मिर्च बहुत महंगी है दोस्तों, टमाटे भी बहुत महंगे हैं, इसलिए एक ही टमाटर डाला है मैंने। अब हम इसमें डालेंगे पानी। इससे पहले मैं आपको हरी मिर्ची का बेसन बताई थी, अब ये लाल मिर्ची का बेसन है। ये देखिए, इसमें जरे भी लम्स नहीं है, मैं अच्छे से बेसन को फेंट चुकी हूँ। अब हम इसमें अच्छे से इसको ऐसे हिलाएंगे। देखिए बेसन कितना अच्छा से हो रहा है। देखिए, इसे ऐसे ही लगातार हिलाते रहना चाहिए, वरना इसमें लम्स बन जाते हैं और हमारा बेसन अच्छे से स्मूथली नहीं बनता है। तो ऐसे ही हिलाते रहना चाहिए इसमें, ताकि इसमें लम्स ना बने। और इसे एक ही डायरेक्शन में हिलाइएगा, इसी तरह से गोल गोल हिलाते रहिएगा। और हम डालेंगे इसमें नमक। देखिए, मैंने 1 टीस्पून, आप अपने टेस्ट के हिसाब से नमक डालिएगा। ये नमक डाल चुका है मैंने। और इसमें और यहाँ हमारी दाल हुई क्या देखते हैं। ये देखिए, इधर हमारी दाल पक रही है। अब हम हमारी दाल में भी नमक डाल देंगे। हमने इसमें नमक नहीं डाला था, आप अपने टेस्ट के हिसाब से ही नमक डालिएगा। फुल टी को नमक डाला है। और
और बेसन को लगातार हिलाते रहिए, क्योंकि अगर बेसन को हमने हिलाना बंद किया तो इसमें लम्स बन जाते हैं पूरे। ऐसे ही हिलाते रहिए, ये देखिए हमारा बेसन अच्छे से घट हो चुका है। अब इस स्टेज पे हम डालेंगे इसमें ये 1 टीस्पून जीरा, भुना हुआ जीरा पाउडर, ये भुना हुआ जीरा पाउडर है। अब बस और कुछ नहीं डालेंगे हम इसमें। गार्निश के लिए थोड़ा सा कोथमीर वगैरह डालकर इसको कर देंगे और ये हमारा बेसन तैयार हो चुका है। बस ये दाल का पानी थोड़ा सा सूख जाना चाहिए, तब तक ये मेरा बेसन कंप्लीट हो चुका है। देखिए ये हमारा बेसन बनके तैयार हो चुका है। ये देखिए हमारी दाल गल रही है, हमने इसमें नमक मिर्ची सब कुछ डाल चुका है। बस ये पानी जरा सा सूखते ही ये हमारी दाल गल जाएगी और ये हमारा खड़ी दाल तैयार हो जाएगी। ये देखिए गाइस हमारा बेसन बन चुका है, अब हम इसे रख देंगे। ये देखिए ये हमारे दाल का पानी सूख रहा है और हमारी दाल भी गल चुकी है। अभी हमारी दाल अच्छे से गल चुकी है, बस अब हम इसे ढकने कर थोड़ी देर के लिए छोड़ देंगे। ये देखिए हमारा दाल का पानी सूख चुका है, अब थोड़ा सा ही पानी है, अब हम इसे ढक कर रख देंगे और आँच को मीडियम कर देंगे और थोड़ी देर में हमारी दाल पूरे से अच्छे से हो जाएगी। और आपको मेरी ये वीडियो कैसी लगी है प्लीज़ मुझे लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए और सब कुछ बनाने के लिए प्लीज़ मुझे लाइक और सब्सक्राइब करिए। और आपको कौन सी डिश बनाना पसंद है, कौन सी डिश बनाना चाहते हैं आप मुझे कमेंट्स में लिखकर बोलिए, मैं वो डिश बनाने की कोशिश करूँगी। ये देखिए दाल हो चुकी है हमारी, अब इसे हम दम कर चुके हैं। थैंक यू गाइस, आपने मेरी पूरी वीडियो देखी, प्लीज़ मुझे लाइक और सब्सक्राइब करिएगा प्लीज़।